डिलीट हो गया। जी हाँ बजी जो होगा ये बहुत जरूरी है, ज्यादा ज्यादा पेट नहीं भरेगा तो मतलब भूखा भी नहीं रहता जॉब से। देखो कितने कितने वो थे मुंडे वाले कितने दुख करके बहुत रोया भाई। इन फ्यूचर में क्या करूंगा भाई, तो क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। ये होगा ना तो अपने जिंदगी के साथ दुख है, दुख के बारे में बात हुई ना। आगे आप टेंशन नहीं करना, थोड़ा चलो करो नया तो नया चैनल बना लो, तो जहाँ आगे पढ़ाई की तरफ देखो, जॉब की तरफ देखो। पापा को लगता रहा की पता नहीं है कुछ करना दे, मैंने उनको बोला की मम्मा, मैंने कहा मैं वैसा नहीं हूँ, डिलीट हो गया तो मैं हार मान जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डैडी को भी बहुत समझाया, अपने छोटे भाई को भी समझाया, सारे मुझे कॉल कर रहे थे यार कुछ करना नहीं, सब्सक्राइबर्स है बस करो यार 100 के तक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विशाल मोटर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपसे कुछ बातें शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि आमिर भाई का जो यूट्यूब चैनल है वो डिलीट हो चुका हुआ है। इससे पहले हमारे जानू भाई का भी चैनल डिलीट हो चुका हुआ था, उनका 1 मिलियन होने वाला था, वो भी चैनल डिलीट कर दिया गया था, बट वो रिकवर नहीं हो पाया था। ऐसा ही सेम आमिर वाजिद भाई के साथ हुआ। अभी उनका कहना था कि रात को उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी जो अनलिस्टेड करके रखी हुई थी, बट सुबह तक उनको कोई भी उसका एक्सेस नहीं मिला। उनका यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा था, ना ही उनका यूट्यूब स्टूडियो चल रहा था। उन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया बट उसके बाद भी उनको एक्सेस नहीं मिला उसका। अभी उनका कहना है कि उनका यूट्यूब चैनल अभी तक रिकवर नहीं हुआ, उनका यूट्यूब चैनल अभी डिलीट कर दिया गया है। अभी आमिर भाई अभी आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। रात को मैंने आप सबके लिए वीडियो अनलिस्टेड करके रखा, एंड मॉर्निंग में जब मैं 11 बजे उठा तो मैंने मेरा यूट्यूब चैनल ओपन किया। मेरे पास कोई भी यूट्यूब चैनल का एक्सेस नहीं था, एंड मैंने बहुत ट्राई किया बहुत बार। के पास सिर्फ 24 आवर्स होते हैं जब आपका चैनल जो है वो रिकवर हो सकता है, एंड मैंने मेरी सारी कोशिशें कर दी भाई, बट मेरा चैनल जो है गाइस वो रिकवर नहीं हो रहा। मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिसपे 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, 800+ ब्लॉग्स जो थे उस पर अपलोडेड थे। 2018 में मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो जो था वो अपलोड किया था, अभी तक मैंने 800 वीडियो जो थे वो अपलोड किए थे। मेरी पूरी जर्नी में एक भी स्ट्राइक जो है वो मेरे चैनल पे नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अचानक से मेरा चैनल जो था गाइस वो टर्मिनेट हो गया, एंड मैंने बहुत ट्राई की। मेरे घर वाले सारे के सारे बहुत ज्यादा परेशान है। यूट्यूब जो था ये ओनली सोर्स था मेरी इनकम का, एंड मैंने इसके पीछे सारी चीजें छोड़ दी, मेरी स्टडीज सब चीजें छोड़ दी। इवन की मैं BSc नर्सिंग का कोर्स कर रहा था गुरदासपुर से, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो किया, 100K सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हुआ, तो मैंने सारी चीजें छोड़ दी भाई। और अब इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सारे फोर्स कर रहे हैं कि भाई चुपचाप करके जो है वो पढ़ाई वगैरह कर ले। टाइम पे मैं ऐसी जगह पे फंस गया हूँ कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सारे के सारे घर वाले सब इस टाइम पे भाई मेरे पे तपे हुए हैं कि भाई लो हो गया। स्टार्टिंग से मेरे घर वाले बोलते थे कि भाई ये यूट्यूब वगैरह जो है टेम्परेरी है, इस टाइम पे भाई ऐसी जगह पे आके फंस गया हूँ। बट एक चीज जो मेरे को होप दे रही है वो है चाइना। बहुत सारे बंदों ने मेंशन किया, कमेंट्स कर रहे हैं, एंड कल से इंस्टाग्राम पे मेरे 5K फॉलोअर्स जो है वो इंक्रीज हो गए, बट इंस्टाग्राम मेरे लिए कुछ भी नहीं है भाई। जो मेन सोर्स है भाई वो मेरे लिए यूट्यूब है, एंड इस टाइम पे यूट्यूब जो है गाइस वो मेरे पास नहीं है। तुम सबके बहुत सारे मैसेजेस DM आए कि भाई आमिर भाई इतना मोटिवेट किया पूरे यूथ को, जम्मू एंड कश्मीर की यूथ को, बहुत सारे ब्लॉगर्स बने, अगर तुम ही क्विट कर दोगे तो भाई हम क्या बनाएंगे। सोचोगे 2.7 मिलियन वाला चैनल जो है, अगर उस बंदे की ऐसी हालत है तो भाई जिन्होंने स्टार्ट किया, जिनके 1K या 10K हैं भाई, उनके साथ क्या होगा। तो एक होप लेके के ताने सुनने के बाद भी भाई अभी मैं एक नया यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ। बहुत सारों ने बोला, कुछ ने तो जो मेरे बहुत क्लोज आते हैं उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि भाई छोड़ दे, जो वगैरह पे कुछ नहीं रखा है, चीज आगे जाके कभी भी जा सकती है। मेरी मेमोरीज, मेरी सारी चीजें, सब चीजें थी उस पे, एंड सारी चीजें चले गई, मेरे मीटअप्स, मेरी राइड्स, मेरी मैंने जो जो चीजें परचेज की थी, मेरे फैमिली के साथ जो व्लॉग्स थे, मेरी मेमोरीज थी, आयरा के साथ जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था, 10K सेलिब्रेशन, वो सब चीजें खत्म हो गई भाई। अब ऐसा लगता है कि भाई मैं अगर उस दिन रात को नहीं सोया होता तो क्या पता मैं रात को कुछ ना कुछ करता था, फ्रेंड्स वगैरह से रात को बात कर रहा था। तो जम्मू एंड कश्मीर का नंबर 1 यूट्यूब चैनल जो था गाइस वो डिलीट हो गया। 800+ वीडियोस, मेरी पूरी 5 साल की जर्नी, मेरी पूरी मेहनत, तक कहां से कहां तक आया, गांव से निकला, सिटी में आया, यहां पे चीजें बनाई, गांव में घर बनाया, सारी चीजें अपने मम्मी पापा के ड्रीम्स फुलफिल किए, अपने भाई बहन सारी चीजें, आयरा के साथ बहुत अच्छी जर्नी थी, बट वो सारी मेमोरीज जो है एकदम से खत्म हो गई। मैं मेरा नया यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, एंड उसका लिंक जो है गाइस आपको मेरी बायो में मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारा भाई मोटिवेट, तो अब क्या हुआ डिमोटिवेट ही हूँ इस टाइम पे, पर तुम्हारा भाई कोशिश करेगा कि तुम सबके लिए वीडियोस डालें, ब्लॉग्स डालें। एंड इस बार मैं प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई सबको, जो भी मेरे भाई थे जिन्होंने मेरा पहले चैनल सब्सक्राइब किया था, प्लीज इस बार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरी सारी चीज़ें ना दाव पे लगी हुई है, मैंने सबके ताने सुन सुन के ना मेरा सर जो है ना भाई वो फट रहा है। सारी चीजें जो है भाई वो मैं फिर से दिखाऊंगा, एंड होपफुली इस बार जो है कोई मिस्टेक ना हो मेरे से, भी ऐसी चीज ना करो जिससे ही मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो उड़े। तो ज्यादा केयर करूंगा अपने चैनल की, 24 घंटे अपने सामने ओपन करके रखूंगा भाई।
तो जो नया चैनल है उसका हम नाम रख रहे हैं आमिर माजिद ब्लॉग्स। सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है ना। ऐसे तो तुम्हारे सामने भाई मैं मेरे चेहरे पे ऐसे एकदम स्माइल सी है, बट अंदर से मेरे को पता है कि भाई 27 लाख सब्सक्राइबर्स जब जाते हैं तो क्या होता है। एक तुम सबके लिए रिएक्शन वीडियो भी है कि भाई जब 2.7 मिलियन का चैनल सपोर्ट था तो कैसा लगता है। बाकी मैं अपने आप को 2-3 दिन तक रेस्ट देता हूँ, अपना मेंटल हेल्थ जो है भाई उसे थोड़ा ठीक करते हैं, एंड होपफुली 2 या 3 दिन में या फिर कल से ही हम ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट करेंगे एंड रेगुलर वीडियोज आप सबको देंगे। बस सब्सक्राइब करना भाई, आज और रिक्वेस्ट है आप सबसे, जैसे प्यार पहले दिखाता वैसे आप दिखाना। थैंक यू सो मच, पीस आउट गाइस।